आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी में हुई कटरीना कैफ की एंट्री, नजर आएगा ये अनदेखा अवतार। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी में कटरीना कैफ नजर आ सकती हैं। फिल्म में वे एक खास डांस नंबर करती हुई दिखेंगी। कुछ दिनों पूर्व वे संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट हुई थी, तब से ही कटरीना और संजय लीला भंसाली के किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। यह पहला मौका होगा जब आलिया और कटरीना किसी फिल्म में साथ नजर आएंगे। वहीं भंसाली की फिल्म में भी कटरीना पहली दफा देखेंगी। गंगूबाई में कटरीना की एंट्री दो वजहों से बेहद खास हो जाती है। पहला तो यह कि उन्होंने इंडस्ट्री में पहले ही कई हिट आइटम नंबर दिए हुए हैं, उनमें चिकनी चमेली, शीला की जवानी, जरा जरा टच मीटर और सुरैया शामिल है। तो अगर कटरीना भंसाली की इस फिल्म में डांस नंबर करती हैं, तो फिल्म के विषय को देखते हुए वह कुछ खास हो सकता है। सब कुछ ठीक रहता है तो निश्चित तौर पर कटरीना का अनदेखा लोक दर्शकों को देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी वजह यह है कि आलिया भट्ट इन दिनों रणबीर कपूर के बेहद नजदीक हैं। कुछ ऐसी ही नजदीकियां कभी रणबीर और कटरीना के बीच हुआ करती थीं। सोशल मीडिया पर दोनों अभिनेत्रियों की तस्वीरें जब भी सामने आती हैं, वह दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जाती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक ही स्क्रीन में दोनों दिखेंगी तो सोशल मीडिया पर वे आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। संजय लीला भंसाली निर्देशित यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस के एक अध्याय पर आधारित है। गंगूबाई मुंबई के हीरा मंडी नाम की जगह कोठा चलाती थी, साथ ही वह देश के विभिन्न शहरों में फ्रेंचाइजी कोठे खोलने वाली वे पहली पेशेवर महिला थी। कहा जाता है कि 60 के दशक में गंगूबाई का ऐसा दबदबा था कि कोई भी उनसे मुसीबत मोल लेने से डरता था। फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई की भूमिका निभा रही हैं, जो 11 सितंबर 2020 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी।